बीजेपी 370 एनडीए 400 पार कंप्यूटर जुगरे ओडिया भाषा को जोड़ा हो विधानसभा विधानसभा आरंभ विकास चित्र रखिले राज्यपाल आसुचंती राहुल राज्य कांग्रेस आक्टिव राज्य कांग्रेस शिविर आक्टिव 2024-2029 गेम चेंजर हेबो आस्था भोट्रे चंपई पास हठात बदलिला पाग बढ़ुची रातिर तापमात्रा आपको जरूर आशीर्वाद और आप जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे और जनता लोकसभा निर्वाचन ने एकुटिया बीजेपी हासिल करिवो 370 रो अधिक आसन आउ एनडीए मेंटर सीट संख्या 400 टपिजिव लोकसभा रे यहा दृढ़तार सहित कहिसथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा रे राष्ट्रपति को अभिभाषण उपरे धन्यवाद प्रस्ताव आलोचना रे भाग नै मोदी कहिसथि तांको सरकार रो तृतीय पाली आरंभ होबा को आउ बेसी समय बाकी नै एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। कांग्रेस की जो मानसिकता है जिसका देश को बहुत नुकसान हुआ है, कांग्रेस ने देश के सामर्थ्य पर कभी भी विश्वास नहीं किया। वे अपने आप को शासक मानते रहे और जनता जनार्दन को हमेशा कमतर आंकते गए, छोटा आंकते गए। 15 अगस्त लाल किले से प्रधानमंत्री नेहरू ने जो कहा था वो मैं जरा पढ़ता हूं। हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आम तौर से नहीं है। हम इतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं। ये न समझिए कि वह कौमें कोई जादू से खुशहाल हो गई, वो मेहनत से हुई है और अकल से हुई है। ये उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, भारत के लोगों को नीचा दिखा रहे हैं। यानी नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है। नेहरू जी की भारतीयों के लिए सोच थी कि भारतीय कम अकल के लोग होते हैं। इंदिरा जी की सोच भी उससे ज्यादा अलग नहीं थी। कांग्रेस के लोगों को देख करके लगता है कि इंदिरा जी भले देश के लोगों का आकलन सही न कर पाए लेकिन कांग्रेस का एकदम सटीक आकलन उन्होंने किया।